ये असेंबली हल्का कोई अलग हो सकता, लेकिन जहाँ पर बुनियादी सहूलत की ज़रूरत है, जहाँ आवाम तकलीफ में है, इस तरीके के काम को पहले हमने फ्रंट पे लिया और आज हमने यहाँ पे इफ्तिता किया। वो हमारे एमएलए नहीं है किसी वजह से, मगर फिर भी आज इतना उनका पावर है, इतना बड़ा उनसे बजट मंजूर करके लाके हमारे इलाके की रोड बनाने का और शहर के रोड बनाने का काम शुरू किया है। सरकार हमारी एक वाहिद ऐसी शख्सियत है कि जो हर फील्ड में, हर बात में, हर छोटी सी छोटी बातों में, किसी के घर के मामला हो या बड़े से बड़ा मामला हो, वो भी हल करती है। हमारे शहर काजी मुख्तार काजी साहब का मसला था, इंतकाल हो गया, बहुत परेशान थे, उनका बच्चा आया साहब के पास छुटे हुए, साहब ने फटाफट खुद बॉम्बे गए और उसका कर दिया, उसके बेटा आज उनका बेटा आज हमारा शहर का ऐसा अलहमदिल्ला उन्होंने बहुत सारे काम कर रहे हैं शहर के डेवलपमेंट विकास को, वो कभी होता हो ना हो, वो विकास के काम में हमेशा रहे, सजग है और करते रहेंगे। हमारी सबसे दुआ है सभी पार्क के तमाम ही बुजुर्ग, नौजवान दोस्तों और साथियों और हमारे कॉरपोरेटर अजीज मुल्ला साहब, आप लोगों को पता है कि सभी पार्क के अंदर जो शहर की आवाम यहाँ पर रहने आई और जो यहाँ पर बुनियादी सहूलत यहाँ पर मिलना चाहिए आप लोगों को, आप लोगों ने मुझको शेख रशीद साहब के पास भी आप लोग वक्त की शक्ल में गए, मेरे पास भी आप लोग आए, अजीज मुल्ला साहब और हमारे तीनों कॉरपोरेटर ने भी उसके अंदर बहुत जद्दोजहद और मेहनत की और आप लोगों की डिमांड थी कि आगरा रोड के ऊपर हम लोगों को जाने के लिए दुश्वारी होती है तो आप सीमेंट कॉन्क्रीट रास्ता बना दें, तो वो शेख रशीद साहब ने वो रास्ता अपने कॉरपोरेशन फंड से बनवा कर आप लोगों को दिया और जो गवर्नमेंट फंड की जो मैंने आपसे वादा किया था कि मैं एक रास्ता आपको दूंगा, तो अल्लाह का करम है कि आज आप लोगों की मौजूदगी के अंदर हम लोग 50 लाख के ये सीमेंट कंक्रीट रास्ते का इंतजार कर रहे हैं और ये काम अभी शुरू होगा और इस तरीके से अभी अपनी बात भी के वहाँ से लेकर यहाँ तक और वो मस्जिद तक और जो बाकी अगर काम उसके अंदर एक्स्ट्रा बचेगा तो वो 20 मिनट की चली और इधर हम लोग घुमाएंगे। बोलने का मतलब आज ये काम अंजाम दिया जा रहा है आप लोग की डिमांड पर और हमने वादा पूरा किया और आज दोबारा मैं आप लोगों से वादा कर रहा हूँ कि इंशाल्लाह कॉरपोरेशन के चुनाव के बाद में ज़रूर ये जो गलियाँ हैं छोटी छोटी जो गलियाँ जो मेन रास्ते पे आकर मिलती है तो वहाँ पर जो रास्ते का और गटर का जो मसला रहेगा इंशाल्लाह हम लोग कॉरपोरेशन के चुनाव के बाद में उसको मुकम्मल करेंगे और ये गवर्नमेंट फंड से 50 लाख की लागत से कामयाब शुरुआत आप लोगों की मौजूदगी में। आप अपना फंड शहर में भी डाल सकते थे तो आपने ये क्यों सोचा कि मतलब शहर से दूर हाईवे के करीब इस बस्ती में डालना चाहिए, क्योंकि अपना अगर सियासी बेनिफिट देखा जाए तो शहर में आपका ज़्यादा फ़ायदा हो सकता था। बात ऐसी है कि हमारा अपना मालेगांव शहर, मालेगांव तालुका, ये हमारा अपना शहर है और आज ये शफी पार्क में जो आज 50 लाख रुपये से गवर्नमेंट फंड से मेरी जस्टिस से जो मैंने फंड लाया था 50 लाख से सीमेंट कंक्रीट का रास्ते का आज इब्तदा यहाँ पर हुआ, इसकी काम की शुरुआत हुई और ये शफी पार्क में रहने वाले भी मालेगांव शहर के नागरिक हैं। ये असेंबली हल्का कोई अलग हो सकता, लेकिन जहाँ पर बुनियादी सहूलत की ज़रूरत है, जहाँ आवाम तकलीफ में है, इस तरीके के काम को पहले हमने फ्रंट पर लिया और आज हमने यहाँ पर इब्तदा किया। अभी 2-3 रोज़ में आप देखेंगे ये फिर दरे गांव में नेशनल पेट्रोल पंप के पीछे एक बहुत बड़ी मुजाफात की बस्ती हो गई, वहाँ मैंने रास्ता दिया। उसके बाद आप देखेंगे कि अक्सा कॉलोनी के साइड के अंदर एक मुजाफात की बस्ती शहर से किस तरीके से वो लोग कनेक्ट हो सकते हैं, वहाँ मैंने दिया फंड। फिर एक रमज़ानपुरे के अंदर और एक फ़ंड दिया। मेरा बोलने का मतलब ऐसे इलाकों के अंदर काम होना चाहिए जहाँ पर ज़रूरत है। मुझे पता है कि मुजाफात के इलाके के अंदर अभी बहुत कामों की ज़रूरत है, लेकिन आज ये लोग हाईवे के करीब रहते हैं, इनको ज़्यादा ज़रूरत है और इसके लिए आज हमने यहाँ पर मंजूरी दी और मुझे उम्मीद है कि आने वाले दिनों के अंदर शहर की आवाम अगर दोबारा हमको कॉरपोरेशन पर मौका देगी तो मुजाफात के इंशाअल्लाह आप लोग देखेंगे कि कोई भी रास्ता बाकी नहीं रहेगा और वहाँ पर अच्छे क्वालिटी का कंक्रीट काम रास्ते के हम लोग करेंगे। यहाँ पर तामीरी काम हो रहे हो, खुद आप जाकर विजिट भी कर रहे हैं? मैं खुद विजिट कर रहा हूँ, काम देख रहा हूँ
क्वालिटी मिल रही है नहीं मिल रही है या कोई तकलीफ है क्या, इस तरीके से अगर कोई तकलीफ आ रही है तो उसको हल करके आगे काम बढ़ाना ये अपनी जिम्मेदारी है, उसको मुकम्मल करना ये भी हमारी जिम्मेदारी है। और मैं शहर की आवाम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि शहर की आवाम भी इसमें ताउन कर रही है।